हे डूड, वेलकम बैक अदर वीडियो। तो सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हो, रेडमी नोट 12 सीरीज इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। और लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 5 जनवरी को रेडमी नोट 12 सीरीज इंडिया में कंफर्म लॉन्च हो जाएगा। और इस सीरीज में आपको 4-5 स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा रेडमी नोट 12 4G स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट रेडमी नोट 12 5G स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा और Redmi Note 12 Pro 5G स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका सबसे ज्यादा हाईर वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा Redmi Note 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा। Pro Plus के बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं, कल ही बनाया, चैनल पे आप जाके देख सकते हो। लेकिन गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ Redmi Note 12 5G स्मार्टफोन के बारे में। और एक काफी चीपेस्ट प्राइस पॉइंट पे एक 5G स्मार्टफोन Redmi Note 12 सीरीज में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और 13 से 12 हजार की रेंज में देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस, Redmi Note 12 5G स्मार्टफोन में आपको क्या स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, प्राइस पॉइंट क्या देखने के लिए मिल जाएगा और इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ऐसे लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में इंडिया में सबसे पहले जानना चाहते हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कर लेना। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। सो बड़े इस वीडियो स्टार्ट करते हैं और Redmi Note 12 5G स्मार्टफोन के बारे में सारी डिटेल आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मोबाइल के डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल के बारे में। डिजाइन बिल्ड मटेरियल आपको लिटरली काफी बेस्ट मिल जाएगा, लुक काफी बेस्ट होने वाला है, प्रीमियम लुक देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि आपको यहाँ बैक में प्लास्टिक ही देखने के लिए मिल जाएगा, प्लास्टिक का फ्रेम होगा, फ्रेम में आपको फ्रंट में ग्लास देखने के लिए मिल जाएगा। बैक में आपको नॉर्मली टॉप लाइट में आपको 2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा LED फ्लैश लाइट के साथ। और इसके फ्रंट में आपको सेंटर पंचोल डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। चिन बेजल काफी ज्यादा नॉर्मली होने वाले हैं। सो इसमें आपको 7.9 mm इसका थिकनेस देखने के लिए मिल जाएगा। 188 ग्राम इसका वेट होने वाला है। मोबाइल काफी स्लिम एंड लाइट वेट के साथ आएगा। इसी के साथ इसमें आपको IP53 की वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ प्रोटेक्शन थोड़ा मोड़ा देखने के लिए मिल जाएगा। IP53 की वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग देखने के लिए मिल जाएगी। डिजाइन बिल्ड मटेरियल आपको बेस्ट मिल जाएगा। कलर की बात करें तो आपको ब्लैक, ब्लू, व्हाइट आपको 3-4 कलर कन्फर्म देखने के लिए मिल जाएगा। डिजाइन बिल्ड मटेरियल में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा, काफी बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। अब इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सो इसके डिस्प्ले में आपको देखने के लिए मिल जाएगा 6.67 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला सैमसंग का एमोलेड पैनल देखने के लिए मिल जाएगा। सेंटर पंचोल डिस्प्ले के साथ डिस्प्ले आपको थोड़ा बड़ा देखने के लिए मिल जाएगा। कंटेंट वॉचिंग के लिए, गेमिंग के लिए बेस्ट डिस्प्ले होने वाला है। इंडेंट फील की बात करें तो आप एक हाथ से जमेगा नहीं, डिफिकल्टी होगा थोड़ा एक हाथ से यूज करने में। सो आप 2 हाथ से आराम से यूज कर सकते हो। इसमें आपको 20:9 एक्सपेक्ट रेशो देखने के लिए मिल जाएगा। 395 PPI पिक्सल डेंसिटी देखने के लिए मिल जाएगी। हालांकि आपको यहाँ वाइड 11 का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस, डिस्प्ले आपको बेस्ट मिल जा रहा है। ऑनलाइन कंटेंट वॉचिंग के लिए बेस्ट डिस्प्ले होने वाला है। ब्राइटनेस की बात करें तो आपको ब्राइटनेस भी इसका काफी बेस्ट होने वाला है। जैसे कि लीक्स में लिखा ही है 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएगी। काफी ज्यादा ब्राइट स्मार्टफोन होने वाला है। इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी आपको बेस्ट मिल जाएगा। इसमें आपको ग्लास प्रोटेक्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाएगा। 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने के लिए मिल जाएगा। लिटरली गाइस, काफी चीपेस्ट प्राइस पॉइंट पे काफी बेस्ट आपको यहाँ डिस्प्ले सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। एमोलेड डिस्प्ले के साथ इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्प्ले आपको बड़ा मिल जाएगा। सो गेमिंग के लिए, कंटेंट वॉचिंग के लिए बेस्ट डिस्प्ले होने वाला है। नेक्स्ट इसके परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। इसके परफॉर्मेंस में आपको काफी बेस्ट परफॉर्मेंस सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा काफी चीपेस्ट प्राइस पॉइंट पे। सो इसमें आपको मिल जाएगा कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 वाला आपको चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा। ये चिपसेट प्राइस पॉइंट को देखते हुए काफी स्टेबल, काफी बेस्ट है। 6 NF फैब्रिकेशन के साथ आता है। CPU GPU इसके काफी बेस्ट मिल जाते हैं। CPU आपको 2.0 GHz पीक क्लॉक स्पीड के साथ आता है। कॉर्टेक्स A78 A55 वाले कोर देखने के लिए मिलते हैं। ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो आपको Adreno 619 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। LPDDR4X RAM देखने के लिए मिल जाएगा। UFS 2.2 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। चिपसेट इसका काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। अंतुतु स्कोर की बात करें तो 350+ आपको अंतुतु स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा। गेमिंग के लिए आपको काफी बेस्ट स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा 12-13 हजार के रेंज में। सो गाइस, परफॉर्मेंस में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो बडीज, इसके कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप नहीं देखने के लिए मिल जाएगा, आपको 2 ही कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। जी हां गाइस, और उसमें आपको मिल जाएगा 48 MP का मेन कैमरा होने वाला है। 2 MP का माइक्रो देखने के लिए मिल जाएगा। EIS के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। बैक से आप 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्रंट में आपको 8 MP देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से भी आप 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कैमरा सेटअप प्राइस पॉइंट को देखते हुए काफी बेस्ट मिल जाता है। कैमरे में मेरे को नहीं लगता आपको यहाँ कोई भी कमी देखने के लिए मिलेगा। कैमरा सेटअप आपको अच्छा मिल जाएगा। इमेज कैप्चरिंग वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बेस्ट होने वाला है।
सो इसके बैटरी के बारे में बात करते हैं। बैटरी में आपको 5000 एमएच की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी। एक दिन का बैकअप आपको नॉर्मल यूजर्स पे देखने के लिए मिल जाएगा। चार्जर की बात करें तो 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा। 60 मिनट में आपका मोबाइल फुल चार्ज हो जाएगा। यूएसबी टाइप सी के साथ आने वाला है। 3.5 mm जैक देखने के लिए मिल जाएगा। सिंगल स्पीकर देखने के लिए मिल जाएगा। स्पीकर आपको लाउड देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ऑल ओवर इस मोबाइल में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो इसके अदर सेंसर्स की बात कर लेते हैं। इसमें आपको साइड माउंटेड फेस लॉक लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, जायरो सारे सेंसर देखने के लिए मिल जाएंगे। सेंसर्स में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। मजा आया। ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको मिल सकता है, इसके बारे में मेरे को भी थोड़ा डाउट है, लेकिन आपको यहाँ ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने के लिए मिल सकता है। इसमें आपको अदरवाइज सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड 12 के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। MIUI 13 के सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस के साथ आने वाला है। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस है। एड ब्लॉटवेयर हल्के फुल्के देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उसको आप मैनेज कर सकते हो। सो इसके वेरिएंट की बात कर लेते हैं। 6128, 4128 आपको कई सारे वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन 4128 चाइना में 13000 की रेंज में गया है। काफी चीपेस्ट प्राइस पॉइंट पे चाइना में लॉन्च हुआ है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी आपको कहीं ना कहीं सेम प्राइस पॉइंट पे देखने के लिए मिल जाएगा। 13 से 14 हजार की रेंज में ए स्मार्टफोन इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा 4128 के साथ। सो गाइस इस मॉडल का आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो, काफी बेस्ट स्मार्टफोन है। अंडर 15K में इस स्मार्टफोन के भी तरफ आप देख सकते हो, और इसका प्राइस कहने के 13 से 14 हजार की रेंज में देखने के लिए मिल जाएगा। और उससे चीपेस्ट प्राइस हुआ तो काफी अच्छी बात होगी, लेकिन इस सीरीज का आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो। और ऐसे ही लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जानना आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कर देना। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।